कबीर कहते हैं, हे संतों, भक्ति एक धन है, और भक्ति ऐसा धन है जो मनुष्य के जीवन को धन्य कर देता है। रावण के पास में सोना चांदी का धन है, लेकिन भगवान श्री राम रावण को ना धन्यवाद देते हैं ना आशीर्वाद देते हैं, बल्कि रावण से राम का विवाद हो जाता है। शिवरी के पास में सोना चांदी का धन तो नहीं, परंतु भक्ति का धन है, श्रद्धा का धन है। राम शिवरी की कुटिया में नम्रता पूर्वक आते हैं और शिवरी को सेवा का मौका देते हैं और शिवरी के जीवन को धन्य कर देते हैं। आज सारी दुनिया शिवरी को धन्यवाद देती है और भगवान राम ने शिवरी को आशीर्वाद दिया है। याद रखना, भक्ति एक ऐसा धन है जिस धन की कीमत भगवान को दर्शन दे करके चुकानी पड़ती है, और सोना चांदी एक ऐसा संपत्ति ना आशीर्वाद मिलेगा, जहाँ रहोगे वहाँ वाद विवाद ही मिलेगा। इसलिए भक्ति धन को भी संभाल कर रखिए, ताकि जीवन धन्य हो सके और जहाँ जाओ वहाँ धन्यवाद तुम प्राप्त कर सको। जय जय संतो भक्ति सतो गुरुवाणी, संतो भक्ति सतो गुरुवाणी। बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं। रावण शंकर भगवान की पूजा करता है, लेकिन किसी गुरु का दास नहीं बना, इसलिए रावण का पतन हुआ। राम शंकर की पूजा भी करते हैं, साथ साथ में गुरु वशिष्ठ के दास भी हैं, विश्वामित्र के दास हैं, भरद्वाज अगस्त्य वाल्मीकि के पास हैं। गुरु का हाथ है, गुरु का साथ है। रावण के ऊपर किसी गुरु का ना हाथ है ना गुरु का साथ है, इसलिए रावण को अभिमान आ जाता है। अभिमान को नष्ट करने का काम गुरु की भक्ति करती है, और अभिमान के मरते ही आपके मन में सुख शांति प्रसन्नता का जन्म हो जाता है। जहां अभिमान रहता है वहां क्रोध का जन्म होता है। यह अहंकार क्रोध को जन्म देता है, इसलिए रावण बहुत क्रोधी भी है। राम ने गुरुओं का सम्मान किया है, रावण ने संतों और गुरुओं को सताया है, इसलिए रावण को श्राप मिला और राम को आशीर्वाद मिला है। दोनों शंकर का ध्यान करते हैं, लेकिन शंकर भगवान तटस्थ हो जाते हैं। रावण से कहते हैं, मैं तेरे को भी मदद नहीं करूंगा न राम को मदद करूंगा, क्योंकि तुम दोनों मेरा नाम जपते हो तो मैं पक्षपात नहीं करूंगा, लेकिन जो गुरु की भक्ति करता है जीत उसी की होगी। ये मनुरूपी रावण है, कितने देवी देवताओं का तुम सुमिरन करो, लेकिन यदि गुरु का ज्ञान
गुरु की भक्ति आपके पास नहीं है तो मन रूपी रावण को तुम जीत ना पाओगे। ये 10 इंद्रियां मन रूपी रावण की 10 शीस है। ये 10 इंद्रियों को कैसे वश में करोगे, इसके लिए गुरु के ज्ञान के बाण चलाने की आवश्यकता है। किसी भी देवी देवता का आप ध्यान करो, बोलते रहो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक बार बोलो, 100 बार बोलो, 1000 बार बोलो, बोलते ही रहो। टेप रिकॉर्डर में भर लो, बोलते ही रहो। उससे कोई ज्ञान नहीं होगा आपको। इसलिए राम ने कहा है कि मैं भगवान हूं। लोग कहते हैं तुम भगवान हो, लेकिन गुरु के चरणों का मैं भी दास हूं, क्योंकि गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। बंधो गुरुवर देव कोई, जिनसे भ्रम तम नाश। ऐसे गुरु की वंदना है, हे गुरुदेव मेरे भीतर जो भ्रम है, अंतरतम में जो अंधकार है, उसका नाश कर दो। आपके बिना ज्ञान तो मिलेगा, आत्म ज्ञान बिना नर भटकई, आत्म ज्ञान बिना नर भटकई, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन प्यासी, पानी में मीन प्यासी, सुन सुनियावत हासी, पानी में मीन पियासी, मोहि सुन सुनियावत हासी। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, तापर भंवर निवासी, सो तेरे घट माही विराजे, सो तेरे घट माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी, पानी में मीन पियासी, पानी में मीन पियासी, मोहि सुनि सुनियावत हासी, पानी में मीन पियासी, पानी में मीन पियासी। कबीर साहब कहते हैं कि ये बात सुन सुन कर मुझे हंसी आती है। जब मछली कहती है कि मैं पानी में हूँ परंतु प्यासी हूँ, तो कबीर साहब कहते हैं, ए मछली तेरी बात सुन करके मुझे हंसी आती है कि पानी में है और तू प्यासी है तो पानी पीती क्यों नहीं है। बोले पानी में हूँ लेकिन पानी को जानती नहीं हूँ, इसलिए प्यासी हूँ। मुझे ये ज्ञान नहीं है कि जिस पानी में हूँ इसी पानी को पीने से प्यास बुझ सकती है, इस बात का ज्ञान नहीं है। इसलिए पानी में तो हूँ लेकिन पानी पीती नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ कि यही पानी है जिसको पीने से प्यास बुझती है, इसलिए मैं प्यासी हूँ। तो कबीर कहते हैं, तेरी बात सुन सुन कर मुझे हंसी आती है, बहुत वैधी है तू, पी ले। कबीर साहब बहुत मज़ेदार है। पानी में मीन पियासी, मोहि सुनि सुनियावत हासी। जैसे कोई स्त्री रसोई में हो, खूब पूड़ी कचौड़ी बनाए, खीर बनाए, सब्जी दाल चावल रोटी बनाए और भूखी बैठी है, और अपने पति से कहे मैं तो भूखी हूँ, तो पति कहता मुझे हंसी आती है, दिन भर से रसोई में घुसी हो और इतना सब आइटम बनाई हो तो खाती क्यों नहीं हो।
तो कहे मुझे पता ही नहीं कि यही खाना चाहिए मुझको, इसलिए भूखी हूँ। तो पति कहता मुझे हंसी आती, तू कितनी बैधी है, खा ले उसी को जा। ऐसे कबीर मछली को हंस रहे। कहानी मछली की नहीं, कहानी आपकी। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन मां, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने ना, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने ना। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माई, गुरुवर मृग ढूंढे बन माई। टीवी स्क्रीन में मृगा का दर्शन हो रहा है। ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही, ऐसे घट दौड़ा दो मरगा को भागे जोर से दुनिया जानत नाही। जैसे मृगाना बिकस तूरी, जैसे मृगाना बिकस तूरी, बन बन फिरत उदासी, पानी में मीन पियासी, मोहि सुनि सुनि आवत हासी, पानी में मीन पियासी, मोहि सुनि सुनि आवत हासी। कबीर को हंसी आ रही, कितना मजेदार संत है। संत को हंसी आए ये बहुत बड़ी बात है। संत तो ज़्यादातर गंभीर रहता है, बिल्कुल सारी दुनिया का दुख दूर करके स्वयं जगत के दुखों में डूब जाता है। संत एकदम गंभीर हो जाता है, लेकिन कबीर कहते मुझे हंसी आ रही है मछली को देखकर। यही दशा संसार के सब जीवों की, सब भगवान को ढूंढ रहे हैं लेकिन अपने से बाहर ढूंढ रहे। वस्तु अंत खोजे अंत, वस्तु अंत खोजे अंत, क्यों कर आवे हाथ रे, क्यों कर आवे हाथ रे। सज्जन सोई सराहिए, सज्जन सोई सराहिए, पारख राख साथ रे, पारख राख साथ रे। कबीर साहब कहते हैं कि वस्तु अंते खोजे अंते, वस्तु रखा है गाड़ी की चाबी जेब में है और ढूंढ रहे हैं घर की अलमारी में, कैसे मिलेगी। शकर रखी है किचन में, ढूंढ रहे हैं बेडरूम में, कैसे मिलेगी। वस्तु अंते खोजे अंते, भगवान अंदर है और ढूंढ रहे हैं बाहर।